दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जाने माने डायरेक्टर, नेशनल अवार्ड विन डायरेक्टर राजेश मापुसकर, जो जल्द ही अजय देवगन के साथ एक वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है रुद्र, जो डिज्नी हॉटस्टार पर आएगी। इसे वो बनाने वाले हैं और हम इसी सिलसिले में और उनसे और भी तमाम बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। थैंक यू सो मच। हाल ही में अनाउंस हुई है रुद्र, जो कि ब्रिटिश क्राइम ड्रामा जो सीरीज थी, जो बहुत पॉपुलर हुई थी, 2010 में आई थी, उसका आप लोग उसे अडेप्ट कर रहे हैं, उसका रीमेक बना रहे हैं हिंदी में रुद्र। तो इसका ख्याल कैसे आया और क्या ये आपका आइडिया था या कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट बना है और क्या इसमें खासियत होगी, क्योंकि लूथर जो ब्रिटिश क्राइम ड्रामा लूथर जो थी वो काफी मशहूर हुई थी, काफी चर्चा हुई थी दुनिया भर में, उसे किस तरह से इंडियन सेंसिटिविटी के हिसाब से आप लोग अडाप्ट करने वाले हैं सर? ओके, सो दो तीन सवाल है तो मैं एक एक करके जवाब दे दूंगा आपको। पहले तो ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है या ये मैंने सोचा हुआ नहीं है, ये अप्लॉज और बीबीसी इंडिया इन दोनों का प्रोजेक्ट है। तो समीर नायर उनकी जो कंपनी है अप्लॉज और दीपक सहगल उनकी जो पूरी टीम है और बीबीसी के समीर गोपटे, तो इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमको ये प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। और उस दौरान मेरी समीर गोपटे, बीबीसी के जो समीर गोपटे, उनकी और मेरी कुछ और प्रोजेक्ट को लेकर कुछ बातें चल रही थी। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा एक प्रोजेक्ट है तो आप इंटरेस्ट है। तो मैंने तब मैंने लूथर देखी नहीं थी, तो उन्होंने कहा वो बेस्ड ऑन लूथर, तो मैंने कहा मैं देख लूँगा। तो मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत खूबसूरत ड्रामा है। और तब मैं दिल्ली क्राइम सीजन 2 का शूट कर चुका था, थोड़ा एक क्राइम बेस्ड और थोड़ा उस जोन में मैं काम कर चुका था, तो मैं उस शो को एक अलग नज़रिए से देख पाया, उसमें मैं ह्यूमन कनेक्ट देख पाया, क्योंकि जब तक वो ह्यूमन कनेक्ट ना हो मैं कनेक्ट नहीं करता हूँ किसी भी कहानी से, वो ह्यूमन कनेक्ट होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो कनेक्ट कहीं लगा मुझे उस कहानी में भी, और मैंने समीर को कहा कि दिस इज फैबुलस, आई वुड लव टू डू दिस। एंड देन उन्होंने कहा कि चलो आपको और एक सरप्राइज देते कि इसमें मिस्टर देवगन इंटरेस्टेड है, ही वॉन्ट्स टू डू हिज OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च विद दिस शो। देन इट वॉज लाइक अमेजिंग कि तो बहुत खूबसूरत है, मतलब इतना अच्छा शो और मिस्टर देवगन विल बी फीचरिंग इन दैट। एज अ डायरेक्टर मैं और क्या चाहता लाइफ में। मैं वही जानना चाह रहा था कि अजय देवगन की एंट्री लूथर के रीमेक में कैसे हुई। मैं वही जानना चाह रहा था कि पहले से डिसाइडेड था, प्लॉज में डिसाइड कर रखा था कि अजय देवगन ने खुद इंटरेस्ट दिखाया था उन्हें, ये सीरीज सुनाई गई थी, कैसे उनकी एंट्री हुई और कैसे आपको लगा कि वो ही बेस्ट होंगे इस सीरीज रुद्र के लिए? नहीं, वो सारा जो प्रोजेक्ट था वो रेडी था, मतलब अजय जी प्रोजेक्ट में ऑलरेडी थे, बीबीसी इंडिया थी, अप्लॉज थी, हॉटस्टार स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी उसमें इन्वॉल्व था, तो ये सारा प्रोजेक्ट बना था। मेरी एंट्री सबसे लास्ट। अच्छा, आपकी एंट्री सबसे लास्ट में हुई। लास्ट हुई, तो मतलब ये पूरी ट्रेन रेडी थी प्लेटफॉर्म से निकलने के लिए, खाली मोटर मन चाहिए था, बोले आ जाओ भाई अभी ट्रेन चला। तो सारा मतलब पूरा स्क्रिप्ट भी रेडी था, पूरा अप्लॉज की टीम ने और बीबीसी के क्रिएटिव टीम ने मिलके पूरा स्क्रिप्ट बनाया था, तो ऑलमोस्ट सब प्रोजेक्ट रेडी था। लूथर एक ऐसी कहानी है जिसमें एक डिटेक्टिव जो है, एक मर्डरस मैन जो है, जो एक कातिल शख्स है, जो साइकोपैथ है, उसे गिरफ्तार करने की बजाय उससे दोस्ती कर लेता है, फिर दोनों मिलके क्राइम को सुलझाते हैं, जो तमाम तरह के जो कत्ल होते हैं, तमाम तरह के बड़े बड़े क्राइम उन्हें सुलझाते हैं। उसका ये रीमेक है, इंडियन सेंसिटिविटी के हिसाब से आप लोग ने कितना बदलाव किया है इसमें, सबसे पहले ये बताइए। नहीं, ये गुड क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कोई भी ब्रिटिश शो लेके वैसे के वैसा कट एंड पेस्ट नहीं करते, और उसका ये रिकॉर्ड रहा है और अप्लॉज और बीबीसी
तमिल के रिकॉर्ड राज्य में उन्होंने जितने भी पिछले शो किए हुए हैं सम ऑफ देम आर बेस्ड ऑन ब्रिटिश शोज, तो वो कटपेस्ट नहीं किए हुए, उन्होंने उसको इंडियनाइज किया हुआ, वो अपनी सॉइल में, अपनी धरती में, बम्बई की धरती में या इंडिया की धरती में जय की कहानी यहाँ की, तो वही मेहनत स्क्रिप्ट में भी है उनके क्रिएटिव टीम ने की हुई कि ये कहानी आपको लगेगा नहीं ये कहीं किसी और देश में हो रही है, ये लगेगी कि आपको ये बम्बई में ये कहानी हो रही है और ये बम्बई का पुलिस वाला है, तो है आप देखेंगे आपको कभी नहीं लगेगा कि ये बम्बई से रिलेटेड नहीं, पूरी बम्बई की कहानी लगेगी, सिर्फ बम्बई की सेटिंग दी गई है। और अजय देवगन इससे पहले भी कई बार पुलिस वाले का किरदार निभा चुके हैं, रोहित शेट्टी की सिंघम जो सीरीज है उसमें कई बार वो निभा चुके हैं, इसके अलावा भी वो पुलिस वाले बने हैं, इसमें भी एक कॉप बने हुए हैं, तो एक कॉप के रूप में एक लीड किरदार के तौर पर जो कहानी आप जो प्रोजेक्ट किया जो कहानी आपके सामने रखी गई, आप कितना देखते हैं अजय देवगन कितने सूटेबल हैं इस किरदार के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे अजय देवगन के लिए, और इनका जो कॉप अवतार एक अलग तरह से एक कॉप अवतार नजर आएगा जो पहले उन्होंने किया है फिल्मी पर्दे पर, वो कॉप नहीं है, ये कुछ अलग तरह कॉप है, कुछ अलग तरह से डिटेक्ट करेगा केसेस को, तो क्या कहना चाहेंगे अजय देवगन के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर देवगन इज परफेक्ट, इस किरदार के लिए मिस्टर देवगन से बेटर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनके लिए ही लिखी गई है ये पूरी कहानी और ये पूरा शो, क्योंकि जो किरदार है जो उनका जो आपने सही कहा ये पुलिस ऑफिसर का किरदार है, पर इसमें एक अलग तरह के मिस्टर देवगन लिखेंगे वो किरदार निभाते हुए, आपने जिस तरह से उनको पिछले फिल्मों में देखा है जिस तरह से वो पुलिस का किरदार निभाते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट अलग है, कम बात करने ठहराव वाला, सोचने वाला, यू नो बहुत ही संयम रख के इन्वेस्टिगेशन करने वाला एक पुलिस ऑफिसर है, और उनकी एक अपनी स्टाइल है, पर अभी मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि शो आप देखोगे तो आप बिल्कुल हमें इस शो का इंतजार करेंगे, वर्ल्ड रिनाउंड सीरीज है ये और आपके हाथों में तो बहुत अच्छी बनकर आएगी है, हमें ऐसी उम्मीद करते हैं। मैं एक सवाल और भी जानना चाहूंगा कि OTT प्लेटफॉर्म का जमाना है, पिछले साल लॉकडाउन लगने के बाद से बॉलीवुड ने पूरी तरह से OTT प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया, बड़ी बड़ी फिल्में हो या मध्यम किस्म की फिल्में हो या छोटी फिल्में हो, अलग अलग मीडियम्स पर आ रहे हैं, थिएटर्स बंद थे कई महीनों तक, फिर थिएटर्स खुले फिर बंद हो गए और अब आसार नजर नहीं आ रहे कि कब खुलेंगे, ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म की तरफ रुख किया है फिल्म मेकर्स ने, और ऐसे बड़े सितारे भी नजर आ रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म पे, सैफ अली खान की बात अगर की जाए या तमाम बड़े सितारे जो नजर आ चुके हैं, अब अजय देवगन भी रुक कर रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म पर, इसी किस नजर से देखते हैं कि बड़े बड़े सितारों का ध्यान भी अब OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ है, ना सिर्फ वो फिल्में कर रहे हैं बल्कि वो OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज और फिल्में भी करना चाहते हैं। सही है, इस नजर से देखते हैं सर इसे आप? अभी देखिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि पैंडेमिक जैसी एक माहौल जो बन गया है, लाइफ थ्रेटनिंग माहौल जो बन गया है, उस वजह से पूरा देश बंद है, पूरी इकोनॉमी पूरी डाउन हो रही है, उस दौरान हर इंडस्ट्री सफर कर रही है, तो ऑफकोर्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी सफर करेगी, तो ये फिल्म के रिलीज तक बात खत्म नहीं होती, क्योंकि फिल्म बनाने के लिए जो वर्कर्स है, जो क्रू है, टेक्निकल स्टाफ है, तो उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर शूटिंग आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगे थे, तो ये सबके लिए बड़ा मुश्किल दौर रहा है, और अभी भी पता नहीं ये दौर कब तक चलेगा, तो उस दौरान लोगों का मॉरल अप रखने के लिए एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, और थैंकफुली हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मौजूद थे ताकि लोगों का एंटरटेनमेंट कर सके, ये एक बात हो गई, तो उससे क्या रहा, लोगों का मॉरल थोड़ा अप रहा, लोगों को थिएटर में नहीं जा पा रहे थे, टीवी इंडस्ट्री तो थी, टीवी पे तो शोज वगैरह चल रहे थे, पर
पर यहाँ पे एक अलग तरह की कहानियां बताने का, अलग तरह से कहानियां बनाने का एक अलग मजा था और है, तो वो OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू फिल्म मेकर्स को मिला। और जो एक्टर्स है उनको बड़े बड़े सितारे रुक कर रहे हैं, बड़े बड़े सितारे, और जो भी जो बड़े बड़े सितारे नहीं है वो भी, पर काफी काफी अच्छे एक्टर्स है, तो उनको भी मौका मिला कि वो उसके मेन प्रोटैगनिस्ट बनके उस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाए। तो ये सबके लिए एक मौका है, मतलब ये बहुत ही बड़ी, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि OTT प्लेटफॉर्म्स थे, ताकि उस वजह से लोगों को काम मिला, उस वजह से थोड़े थोड़े शूटिंग चलते रहे और ये OTT प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें रिलीज हो गई। तो मेरे लिए तो ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि OTT प्लेटफॉर्म मौजूद है और हम एज ए फिल्म मेकर सारे फिल्म बना पा रहे हैं और उसको रिलीज कर पा रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये बहुत ही भाग्यशाली है हम लोग की OTT प्लेटफॉर्म इस दौरान मौजूद है। ना सिर्फ बड़े बड़े सितारे बल्कि हर तरह के सितारे, हर तरह के कलाकार को मौका मिल रहा है, और जो छोटा कलाकार जिसे माना जाता है फिल्मों में वो भी प्रोटैगनिस्ट बनके आ रहे हैं। अगर हम पाताल लोक की बात करें, जय अलावत की बात करें, तो वो उभर कर आए उस सीरीज से, जैसे तमाम सितारे जो हैं जो स्पॉटलाइट में आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने 2003 में लगे रहो मुन्ना भाई में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर राजू हिरानी के साथ फिल्मी करियर शुरू किया था, फिर लगे रहो मुन्ना भाई में भी आप AD थे, फिर 3 ईयर्स में आप चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बने, और फिर आपने 2012 में फरारी की सवारी बनाई और वेंटिलेटर बनाई 2016 में मराठी फिल्म, जिसे नेशनल अवार्ड मिला। आपने अगर पिछले दो दशकों की जो सक्रियता है फिल्मों में, उसमें सिर्फ 2 फिल्में आपने फीचर फिल्में, एक हिंदी एक मराठी बनाई है, इसकी कुछ खास वजह, इतना वक्त क्यों लेते हैं आप, और अब आप दिल्ली क्राइम का सीजन 2 कर रहे हैं, अब 2 ही फिल्में आपने बनाई, ये मेरे लिए उत्सुकता का विषय है कि ऐसा क्यों? मैं उसको हाफ ग्लास फुल या हाफ ग्लास एम्प्टी की तरह देखता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैंने 2 फिल्म बना पा लाइफ में, कभी एक भी फिल्म नहीं बना पाता, और मेरी दोनों फिल्में लोगों को बहुत पसंद आई, दोनों फिल्मों ने मुझे एक अच्छा नाम, अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया, तो मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ कि मैं कर पाया। और मेरा ये कोई सपना नहीं था कि मुझे फटाफट फिल्में बना के पैसा बनाना है, ऐसा नहीं था। जब तक वो आवाज़ दिल से ना आए, मैं कहानी क्या सुनाऊँ आपको, तो यहाँ से आवाज़ आती है, मुझे कहती है कि अब बता, अब शुरू हो जा, फिर मैं शुरू हो जाता हूँ, फिर उसके लिए टाइम लगता है, तो मेरे लिए कोई वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं शायद लाइफ में 5 फिल्में बना पाऊँ, कोई बात नहीं, मैं 5 ही बनाऊँगा, अच्छी बनाऊँगा, ताकि आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुला सके फिर से। राजकुमार हिरानी जो है वो भी बहुत कम फिल्में बनाते हैं, जिनके साथ आपका क्लोज एसोसिएशन रहा है, विधु विनोद चोपड़ा भी कम फिल्में प्रोड्यूस करते हैं। ये सवाल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, मेरे मन में उत्सुकता है इसलिए पूछ रहा हूँ। आप बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है राजकुमार हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा से, मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको पता है कि वो दोनों अब कौन सी फिल्म बनाने वाले हैं साथ में, या राजकुमार हिरानी कौन सी फिल्म पर काम कर रहे हैं? तरह तरह की चर्चाएं हो रहे हैं कि रणबीर कपूर के साथ वो फिल्म बना रहे हैं, शाहरुख खान के साथ फिल्म बना रहे हैं, आपको कोई आइडिया है? हमारे दर्शकों को कुछ बता सकते हैं कौन सी फिल्म पे काम कर रहे हैं राजकुमार हिरानी? मैं भी जानना चाहूंगा, मैं भी उत्सुक। अच्छा, आप भी जानना चाहेंगे। दिल्ली क्राइम का जो सीजन 1 था उसे ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था, बहुत चर्चा हुई सीरीज की, आप उस पर जो सीजन 2 है वो आप डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, किस तरह की कहानी होगी? दिल्ली 1 तो जो निर्भया कांड हुआ था उस पर कहानी आधारित थी, दिल्ली क्राइम 2 में क्या देखने को मिलेगा हम सभी दर्शकों को, क्या नया होगा? हाँ, वो कहानी तो नहीं बता सकते, उसका क्या उसमें होने वाला है वो भी नहीं बता सकते, सारा अभी अंडर रैप है। जब प्रोजेक्ट अनाउंस होगा उस टाइम पे हम और बातें कर सकते हैं उसके बारे में। तो ABP न्यूज से खास बातचीत करने के लिए राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि आप
जिस तरह की क्वालिटी सिनेमा पर विश्वास करते हैं उसी तरह का क्वालिटी सिनेमा बनाइए और उसी के जरिए हम सभी दर्शकों का मनोरंजन किए। मैं पर्सनली भी दिल्ली क्राइम 2 का जो सीजन है उसका इंतजार करूंगा और जो आप बना रहे हैं रुद्र अजय देवगन के साथ उसका भी इंतजार करूंगा, बेसब्री से इंतजार रहेगा। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।